भाई गाली गंदा खाएगा भाई, तो रंजन ना भटक गया है। हाँ वहाँ पे कि... कॉल भाई करिए किसी और उसे। के बॉडी में घुस जाते हो तो इसको ये वापस जाएगा ना। गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी गुड आफ्टरनून इसलिए हो रहा है क्योंकि वैसे तो सुबह 7 बजे उठ गया था, बट एडिट वेडिट और वो सब करने लग गए एंड आज मैंने सोचा कि थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो अभी अराउंड 1:30 हुआ टाइम और अब मैं निकला हूँ। तो आज 3 काम है, एक तो मसूगी जाने हमारा के पास, निरंजन से भी मिलना है, फिर एक और क्रिएटर है उनका यहाँ पे घर है, उनसे भी बात हुई थी 2 दिन पहले, उनसे भी मिलना है। बाकी एक और प्रोजेक्ट है उसकी आइडिएशन करनी है, तो वो उसके लिए बाहर से मिलना है तो वो करेंगे। अभी ये वही अलेऊ वाला सेक्शन अपना पीछे के रेस्टोरेंट, वहाँ से निकले हैं तो थोड़ा और आगे निकलते हैं। धूप भयंकर हो गया यार, बहुत भयंकर। एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस करी होगी वैसे, मेरे कपड़े तब से वही रिपीट चल रहे हैं क्योंकि आया था मैं 2 दिन के लिए, पर अपना यहाँ का स्टे बन रहा है मोस्ट प्रोबेबली 8-9 दिन का, तो शॉपिंग भी शायद करनी पड़ेगी, तो बताता हूँ आपको और वो चीज़ें। अ फ्यू इंचेस लेटर, लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करने से अब तक 20 मिनट के अंदर 2 चीज़ें बदल गई। सबसे पहले तो भाई धूप चली गई, ठीक है, धूप बिल्कुल आ गए, बादल आ गए और हल्की हल्की ड्रिजलिंग शुरू हो चुकी है, पर ठीक है, जाने तो जाना है, थोड़ा ध्यान रखेंगे भीगे ना। दूसरा, मेरे को एक्चुअली कमरा चेंज करना था इसलिए वापस गया था, पीछे देख सकते थे कैस्टल, तो वो चेंज करने के चक्कर में वापस गया था मैं जल्दी से। अब जाएंगे ऊपर तो सब में लग गया टाइम एंड होपफुली अभी ऑटो मिल जाए थोड़ा सही से, क्योंकि इतना ज़्यादा भी चलने का ना मन नहीं कर रहा, थोड़ा आलस सा भी आ गया, तो अभी जल्दी से ऊपर ही पहुँचते भैया वहाँ पर मसोगी साइड। हाँ यार, तो हडिम्बा के जस्ट ऊपर आया हूँ मैं, ये देख सकते हो पीछे वाला एरिया है भाई, इतना भयंकर ट्रैफिक था ना, मतलब भाई मत आना भाई वीकेंड में यहाँ पे, मतलब दिमाग ख़राब हो जाए इतना ज़्यादा, तो और पैदल ही आना पड़ा पूरा अलेऊ से यहाँ तक, तो और कभी धूप कभी बारिश मिक्स चल रहा था, दिमाग ख़राब हो गया। अभी ऊपर पहुँचेंगे बस एंड गाड़ी के लिए सॉरी, एक बार शोर है तो ऊपर निकलना है ना, तो ऊपर अभी सीट से बात हो गई है, भाई बड़ा गरम गरम खाना खिलाते हैं आप लोगों को तब ठीक होगा। तो और रंजन भाई है उसको भी आना था भाई, वही पता नहीं कहाँ गए भाई, तो मेरी तो बड़ी ठंडी में लग गई थी बैठ के वेट करते करते 10 मिनट से, मैं कहा मैं तो निकल रहा हूँ ऊपर ही पहुँचता हूँ, देखते हैं अभी एंड में बताऊँगा कि आज कितने किलोमीटर का वॉक कर लिया हमने ऐसे असेंड डिसेंड वाली। तो इस रास्ते से आगे जा रहे हैं, इधर से आए थे, अभी इधर से आगे जाके वो है जो वो दिख रहा है ना टावर, उसके ठीक वहाँ नीचे है, वहाँ जाना है अभी। हाँ यार, तो अराउंड 5-1 किलोमीटर की आज वॉक हो चुकी है और इतना कर कर आके ऊपर आए हैं। रीज़न ये है कि प्रेसिडेंट इधर आ रखे हैं तो अटल टनल की साइड, तो वो इसलिए ब्लॉक था, तो लोग इस साइड इतने आते जा रहे आते जा रहे, ट्रैफिक की मैंने क्लिप बीच में दिखाई थी। रंजन अभी भी गायब है, वो बेचारा ट्रिपलिंग व्रिपलिंग कर रहा फंस फंस आगे, तो वो अभी आ रहे ऊपर, तो अब आगे बैठ के भी यहाँ अच्छी हवा चलती है, पसीने सूखेंगे, ठंडा पानी पियेंगे, रेस्ट करेंगे, फिर आगे का प्लान बताएंगे आपको। तो अब यहाँ पे शायद टाइम लैप्स भी निकालूँ, पता नहीं मूड पे हुआ तो। हाँ भाई गाली गंदा खाएगा भाई, तो रंजन ना भटक गया है। हाँ वहाँ पे कॉल भाई किसी और के बॉडी में घुस जाते हो तो इसको ये वापस जाएगा ना, तो इसको वापस भेज दो और हाँ उसको बोल वापस जाने के लिए। तभी मैं सोचू ये बाइक कहाँ घुसा ना, मैं मेरे को गाली देगा वो बंदा। इसी की बाइक थी क्या ये? पता नहीं कितनी। तो भाई वहाँ कहीं प्रॉपर्टी के वहाँ पे बंदा घूम रखा है, कॉल करके बोलेगा कि क्यों ले आया बाइक ऐसे ऐसा करके, और अब फिर उसको मेरे को समझाना पड़ेगा कि मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनको नहीं पता था घुसेर दी। देखो बोल दो अलविदा। ये देखो ये लोग आ गए फाइनली भटकते हुए। अरे यहाँ पे एक बाइक खड़ी होगी ना, यहाँ पे बाइक यहाँ पार्क करा दो। हाँ क्या ये? क्या बाबा किधर? अरे भाई
आ गई अभी 5:30 बजे आएगा ना। ऐसे अच्छे होस्ट बनते हैं और कैसे बनते हैं? अफसाना मेन तो ये है, मेन तो ये है खाने के साथ भी। मैंने एक शूट यहाँ स्कूल के सामने किया था। सबके वो है क्या बोलते हैं अपने अपने वो है ना कि शायद अंकल को मन करता होगा यहीं रहने का, ऐसा भी होता है। तुम्हारा क्या करने का मन करता है? मेरा पता नहीं, कंफ्यूज रहता हूँ कभी कभार, तो लगता है कि इधर ही छोटी मोटी झोपड़ी घर कुछ ऐसे लेके यहीं पे सेटल हो जाए। ऐसे व्यू के साथ सिटी लाइफ से थोड़ा सा ना, मतलब वो जो शोर शराबा था वो उससे थोड़ा सा मतलब कनेक्ट नहीं कर पाता मैं। बाकी तो सब चीज़ें अच्छी लगती है, मतलब जो ईजिली चीज़ें मिलती हैं वहाँ की वो सबसे बेस्ट लगती है। बाकी जो नॉइज़ है और जो चीज़ें हैं जो नहीं पसंद वो चीज़ें थोड़ी ख़राब लगती है। और यहाँ पे ये कि भाई नेचर से रिलेटेड है सब कुछ है, और मैं बचपन से मेरा घर भी वैसे ही गाँव में, तो असम भी वैसा थोड़ा हिली एरिया है तो काइंड ऑफ सिमिलर है, तो इसलिए मैं ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ नेचर पहाड़ थोड़ा। गुड, बन गई ब्लॉग के लिए कॉन्टेंट। A few inches later. Hello. Hi. Hi. Abhimanyu. Surbhi. Myself Siddharth Singh. बाकियों का हो गया। हाँ जी, थक गए अभी। अरे। A few moments later. हाँ यार, तो अभी लास्ट शॉट जो आपने देखा होगा वो ऊपर वाले उसी पॉइंट से मनाली का था। रोज़ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही थी वहाँ पे, कभी बादल थे कभी कुछ, आज ऐसा हो गया। एंड आज अंधेरे में रुके हैं इधर, देख सकते हो लाइट एंड ऑल। अभी थोड़ी देर में निकलते हैं, जाते हैं कैस्टल, डिनर वाला कंफर्म करते हैं, फिर निकलते हैं। कल करते हैं, मैं तो कहता हूँ, मतलब मेरा कहता हूँ फोन कल आ जाएगा। हाँ यार, तो रूम पे वापस आ गया हूँ। वैसे मुझे आए हुए अराउंड 1 घंटा हो गया, तो ये दूसरे वाला रूम है, ये नीचे वाला है, तो हाँ अब इसमें मूव कर गए। बाकी अभी बस स्टार्ट करेंगे एडिट करना। आई होप मज़ा आएगा आपको इस वीडियो में। वही अपना यूट्यूब स्पॉट है, वहाँ चिल करने गए। आज की मस्त बात कहते हैं ना, आज इतना ज़्यादा चले हैं ना, मतलब मैंने लिटरली भी चेक किया, अराउंड 14,000 स्टेप्स चले हैं। यूजुअली में इससे ज़्यादा हम चले हुए, बट बात ये कि भाई तुमको भी स्क्रीन पर दिख गया होगा वो वैली, जो व्यू दिख रहा है नीचे, जो आपको सामने शहर दिख रहा है, सोचो वहाँ से ऊपर तक आ रहे थे एंड दोबारा जा रहे थे, तो उस वे से भाई एक साइड की चढ़ाई हुई अराउंड 5 किलोमीटर समथिंग, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। तो हाँ, बस इस वीडियो को भी एंड करेंगे, अगर मज़ा आया तो लाइक करो। बाकी और मस्त मस्त चीज़ें आएंगी, क्योंकि अब कमिंग डेज़ में हम मनाली से बाहर निकलेंगे, क्योंकि अब जो चीज़ हमको शूट करनी है वो थोड़ा कुछ यूनिक कुछ है, मतलब प्रोजेक्ट का वो करना होगा, तो हाँ बस वो करेंगे। बाकी बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।